हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गिंजू और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एवरीडे नो फाउंडेशन मेकअप लुक जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सारी जो प्रोडक्ट है 100-200 वाली है, अंडर 100 अंडर 200 गिन लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ। इसको आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो और एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो ये 2-in-1 का काम कर लेगा। तो इसको लगा के 5 मिनट तक सेट होने दीजिए, नेक पे भी लगा दीजिए। उसके बाद आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। एवरीडे लुक है, नो फाउंडेशन लुक है, तो ऑब्वियसली हम बीबी क्रीम, सीसी क्रीम या डीडी क्रीम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है मैं लोटस की डीडी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। एक आपने देखा, एक पूरी ट्यूब खाली हो गई, दूसरी है, इसमें भी थोड़ा बचा है। तो थोड़ा थोड़ा लेके करना है, तो इसीलिए मैंने आपको दिखाई इतनी क्वांटिटी मैंने ली है, थोड़ी थोड़ी ली है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप दूसरी बार लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि नेचुरल लुक चाहिए अगर आपको डे लाइट या सन लाइट में अच्छा दिखे और नेचुरल इवन स्किन टोन दिखे, तो आप बहुत लाइट लगाइए तो ही अच्छा होगा। और ये वाला जो है उसमें मेरा शेड है वो नेचुरल वाला, जो वॉर्म अंडरटोन वाला आता है, येल्लो वाला, वो है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका शेड कौन सा है। मैंने लोटस की क्रीम लॉन्च हुई आई थिंक 1 साल हो गया, और तब मैंने उसका रिव्यू किया था, तो अब तक कमेंट आ रही है वो वीडियो पे कि आपका शेड कौन सा है। तो आई थिंक नेचुरल वाला आता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन येलो अंडरटोन वाला है, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो येलो अंडरटोन वाली है, तो इसीलिए मैंने ये ली है। आप जब भी कुछ भी लेते हो तो अपनी स्किन टोन को ध्यान में रखते लेंगे आप अगर बाय करते हो, तो आपको परफेक्ट शेड मिलेगा, और आप जब इसको यूज़ भी करोगे वो प्रोडक्ट को, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है मैं हाथ की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। हमने जो है वो एलोवेरा यूज़ किया था ऑलरेडी, तो हमारा बेस था वो अच्छा था, तो इसलिए इजीली स्मूथली ये ब्लेंड हो जाएगी। आपके पास मेकअप ब्रशेस नहीं है, ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, तो हाथ की मदद से भी इजीली ये हो जाती है और बहुत नेचुरल लुक देती है। यहाँ पे मैंने मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है, आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। आपके पास नहीं है तो फिर टेलकम पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कॉम्पैक्ट यूज़ कीजिए, बट अगर है तो यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि टेलकम पाउडर अगर आप यूज़ करोगे, कोई भी ले लीजिए, पॉन्स का ले लीजिए, जॉनसन का ले लीजिए, तो वो वाइट कास्ट देता है, ये वाला वाइट कास्ट नहीं देगा। और ये 100-150 का ही आता है, बहुत महंगा नहीं आता है। आप देखो मेरा टी जोन जो है उस पर ज़्यादा पसीना होता है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगी। आपको भी वैसा ही करना है, आप जब पाउडर अप्लाई करते हो तो आपके फेस के जो एरिया में सबसे ज़्यादा आपको पसीना होता है वही एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये स्पूली है, इसको स्पूली बोलते हैं, इसकी मदद से हम जो है वो आईब्रो के जो हेयर्स है उसको सेट कर लेंगे, ताकि आईब्रोज के जो हेयर सेट हो जाएंगे तो उसको हम फिलअप करेंगे उसके अंदर पाउडर, तो अच्छे से फिलअप होगा। आईब्रो का सेप है नेचुरल, और नेचुरल भी लगेगा और अच्छा उभर के आएगा। ये जो है एक आई शेडो प्लेट है वेट एंड वाइट की, रोज़ इन द एयर वाली, उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लिया है जो मैंने आपको दिखाया है, वो वाला ब्राउन वाला जो शेड है वो लिया है, और नेचुरल फिलअप करना है। जहाँ जहाँ गैप है वहीं पर ही फिलअप करना है, पूरी आईब्रो को बहुत बड़ी नहीं बना देना है या बहुत लंबी छोटी नहीं रखना है। आपके हेयर्स में जहाँ जहाँ आपको गैप दिखता है वहाँ पे आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये एवरीडे है और मेरा यही लुक है। मैं जब हॉल्स वीडियो करती हूँ तब भी यही करती हूँ। अब आप देखिए कि आईब्रोज के जो इनर कॉर्नर्स है, मतलब कि दोनों साइड के, वहाँ पे इस तरह से आप हेयर बाहर निकाल लीजिए, ताकि जो है वो नेचुरल लुक दिखेगा, फ्लैट नहीं दिखेगा आपका फेस है जो आईब्रो की जो होता है उसकी वजह से। यहाँ पे मैंने SQ की जेल आईलाइनर ली है ब्लैक कलर की, इसके साथ ही एप्लीकेटर आता है। मैंने जब आईलाइनर अप्लाई की थी तब उसकी क्लिप शूट की थी, लेकिन मुझे लगा मैं करती गई और कैमरा ऑफ था तो उसकी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई है, बट नॉर्मल सी आईलाइनर मैंने लगाई है, कोई विंग क्रिएट नहीं की है। नीचे भी वही जेल आईलाइनर को एज ए काजल मैंने यूज़ किया है, और एक फ्लैट स्मजर ब्रश लेना है, उसकी मदद से आप स्मज कर सकते हो। अगर आपकी आईज छोटी है तो आप स्मोकी लुक करेंगे, थोड़ा स्मज करोगे तो आपकी आईज बड़ी दिखेगी, तो इस तरह से आपको स्मज कर लेना है। ये जेल आईलाइनर है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो स्प्रेड नहीं होगी, और ये मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेस पे। ये मेबलिन का मस्कारा है, उसको आपको अप्लाई कर देना है, उसको आपको अपनी अपर लोअर लेस लाइन में और नीचे अपर की जो लेसिस होती है आइस की और नीचे की जो लेसिस होती है वहाँ पे, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी मेरे बच्चे हैं, इतना मतलब बैकग्राउंड में बोलते हैं क्या, तो मैंने बार बार रीटेक लिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी वॉइस आती है, उसके लिए सॉरी।
तो इसी तरह से आपको जो है मस्करा अप्लाई करना है। ये वाटर प्रूफ है, मेबलिन का है। मैं लास्ट 1 ईयर से इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक 350 समथिंग का था डिस्काउंट में, या उसकी प्राइस ही इतनी थी पता नहीं। मैंने ये फिर से कॉम्पैक्ट लगाया है बिकॉज़ कि मुझे बहुत ही स्वेटिंग होती है, और मैं जहाँ पे वीडियो शूट करती हूँ वहाँ लाइटिंग भी नहीं है इतनी अच्छी, एसी तो बिल्कुल नहीं है, और जो फ़ैन है वो बहुत ही धीरा चलता है। तो मैं जब भी मेकअप लुक करती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है लाइटिंग वगैरह नहीं है तो। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, देखेंगे आगे ले लेंगे। ये पर्पल की जो किट है ना, मिनी किट 4 लिपस्टिक वाली, उसमें से एक ली है, 22 शेड नंबर है, परफेक्ट है गाइज ऑल स्किन टाइप के लिए। आपकी अगर फेयर टू मीडियम है और मीडियम से भी डार्क, मीडियम टू डार्क है, फिर भी आपको ये वाला लिपस्टिक है वो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, क्रीमी है, इसका टेक्सचर मैट नहीं है, और 1-2 घंटे तक स्टे करती है। एवरी डे के लिए बहुत अच्छा सेड है ये वाला, न्यूड सा है, ब्राउन सा, मुझे बहुत ही पसंद आया, ब्राउन पे है। आप देखिए तो हर स्किन टाइप के लिए जाएगा ये वाला, और मिनी में है तो आप ले सकते हो, अफोर्डेबल भी है। इसमें आपको 4 मिल जाती है किट में। उसके बाद मैं बिंदी लगा रही हूँ, रेड कलर की मोस्टली लगाती हूँ। मुझे सजेस्ट किया था मेरी सब्सक्राइबर ने कि छोटी, लेकिन अभी छोटी बिंदी है नहीं मेरे पास, तो इसलिए बड़ी से काम चला लेती हूँ, बाद में पक्का लाऊंगी। अब एक लिपस्टिक ली है मैंने लिक्विड, और उसकी मदद से ही मैं सिंदूर लगा रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो। हेयर स्टाइल के लिए हम करेंगे साइड पार्टीशन लिया है यहाँ पे। मेरे फेस पे साइड पार्टीशन ज़्यादा सूट होता है, अगर आपके फेस पे मिडल पार्टीशन या पूरा सीधा सूट होता है तो वैसे ले सकते हो। ये दो हेयर के पार्ट लिए हैं मैंने, उसको ट्विस्ट करते जाना है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन करके ट्विस्ट करना है, और फिर पीछे से थोड़ा सा पुश करना है जैसे हम पफ लेते हैं वैसे ही, और फिर एक बॉबी पिन, टिकटॉक पिन जो भी हो आपके पास, उसकी मदद से आपको उसको सिक्योर कर लेना है। ये थोड़े से आगे की तरफ खींचने हैं ताकि एक थोड़ा सा पफ और थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट होगा अगर आपके हेयर पतले हैं तो। और समर के लिए ये वाली हेयर स्टाइल बेस्ट है बिकॉज की फेस पे हेयर आते हैं तो बहुत इरिटेशन होता है, तो इस तरह से आप ले लोगे तो ओपन के ओपन भी रहेंगे, स्टाइलिश भी लगेंगे, और आगे से पफ क्रिएट हो जाएगा तो आपके फेस पे नहीं आएंगे बार बार अगर आप काम करते हो, किचन में खाना वगैरह बनाते हो। ये साइड वाले भी मैंने ले लिए है, पूरा ले लिया है, और इस तरह इसको भी ट्विस्ट करके पीछे की तरफ से पुश करके बॉबी पिन की मदद से इसको भी मैं सिक्योर कर लूँगी एवरीडे के लिए इस टाइप की। या फिर आप बन ले सकते हो, बटरफ्लाई लगा सकते हो, वो भी अच्छा है गर्मियों में। ये इयररिंग्स मैं वेयर करूँगी बिकॉज़ कि मैंने येलो कलर की कुर्ती पहनी है, इसका मैंने हॉल किया है, मैंने अमेजोन से ली है, बहुत ही अच्छी है, हर आउटफिट के साथ जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये है मेरा फाइनल लुक इस टाइप के। आप अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।